अभी 2-3 दिन पहली घटना है, हमारे पास एक व्यक्ति दिल्ली से आए, गृहस्थी थे वो, तो उन्होंने बोला कि हमें ताकत की दवाई चाहिए। हमने बहुत दवाई खाई, हमने क्या खाई, बहुत दवाई खाई, इस कंपनी की उस कंपनी की। तो मैंने उनको बोला भाई ताकत की दवाई घी से बढ़िया क्या हो सकती है, घी से बढ़िया ताकत की दवाई क्या हो सकती है, इससे तो बढ़िया मेरे भाई ताकत की दवाई नहीं हो सकती। आपके घुटनों में क्या चाहिए? ग्रीस। मेरे भाई गाढ़ा गाढ़ा होता है, चिकना होता है, पूरा ग्रीस है। मैं तो इसको सुनना बोलता हूँ भाई, ये सुनना है, क्योंकि देसी गाय का जो घी है वो घी नहीं है, वो सुनना है। और ये देख लो आप, रंग देख लो भाई, सुनने से अगर कम हो तो ये सुनना ही तो है भाई, नहीं तो ऐसा इसमें क्या है कि जिस जो इसका रंग ऐसा है भाई, ये सुनना है, ये सुनना ही तो है। वो भाई जब इसका सेवन करते हैं, वो पहले तो कहते हैं भाई इसका स्वाद बहुत बढ़िया है, हमने आज तक ऐसा घी नहीं खाया, देसी गाय घी नहीं खाया आज तक, वो तो पैकेट वाला खाते थे बाजार का। अब वो घी थोड़ी होता है, वो तो पता नहीं क्या दे रहे हैं भाई। दूसरा उन्होंने कहा भाई मेरी पेट, मतलब ऐसा लगता था मुझे कि मेरी भूख ही पूरी नहीं हो रही, लेकिन इसको खाने के बाद ऐसा लग रहा है हाँ मेरा पेट बहुत बढ़िया भर रहा है। उसका कारण क्या मैं बताता हूँ, इसमें होती है कैलोरी, नेचुरल कैलोरी। जब ये कैलोरी आपके शरीर में जाएगी तो आप जहाँ 10 रोटी खाते थे वहाँ 4 से 5 6 रोटी खाने लगोगे, क्योंकि आपकी कैलोरी जितनी आपको जरूरत थी इसने पूर्ति कर दी। ताकत बहुत ज़्यादा देता है, एनर्जी इंक्रीज करता है, स्टैमिना इंक्रीज करता है, घुटनों में ग्रीस लाता है। किसी को कफ की दिक्कत हो, वात की दिक्कत हो, पित्त की दिक्कत हो, उनको तीनों को समन्वय बराबर कर देता है। गाय की सेवा करने के बाद ये घी हमें प्राप्त होता है, सोना हमें प्राप्त होता है। कोई भाई अगर इसको मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, हमारी गौशाला है, हमारी गौशाला से देसी गाय का घी तैयार होता है। कोई भाई कहे कि आपके पास कौन सी गायें हैं, आप झूठ बोलते हो, आपके पास गौशाला नहीं है, तो भाई आप हमारी पुरानी वीडियोस जाके, अब से 2-4-10 दिन पहली वीडियोस हम डालते रहते हैं गौशाला के, वीडियोस देख सकते हो। तो इसलिए आप भी भाई जो कमजोरी से परेशान हैं, जिनको आंख में दर्द है, हड्डियां दुखती है, शरीर दुखता है, वो भाई घी का सेवन करें, सोने का सेवन करें।